अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आपका मेज़बान एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत डबल स्टोरी घर लेकर आए, जिसकी लोकेशन सादी टाउन मलीर कराची है। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये घर 120 स्क्वायर यार्ड का है, इसका फ्रंट 24 और लंबाई 45 है। तो आज इस घर की मैं मुकम्मल डिटेल, प्लान और इंटीरियर शेयर करूँगा। इसके साथ ही बताता चलूँ कि जो सामीन मेरे चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुँचती रहें। ये इस घर का फ्रंट व्यू है जो कि आप देख रहे हैं। इस घर की डिमांड 1,40,00,000 रुपये है। इस घर के सामने 27 फीट की गली है, 24x45 का ये लो बजट के साथ डबल स्टोरी घर है, जिसकी लोकेशन सादी टाउन मलीर कराची है। इस घर में पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके साथ ही चलते हैं कारपोच में। ये आप कारपोच देख रहे हैं, इसमें एक गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। मेरे लेफ्ट साइड पर फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर और सामने मेन एंट्रेंस का डोर और मेरे लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर। इसके साथ ही ये कारपोच का सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ एलईडी लाइट्स। साथ ही इंटर होते हैं ड्राइंग रूम में। जैसे ही हम ड्राइंग रूम में इंटर होते हैं तो सामने वॉल पे बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर हुआ है और उसके सामने आप देख रहे हैं टीवी लॉन्च। और ये आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ, ये डोर जहाँ से हम इंटर हुए और उसके सामने वाली वॉल पे वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो जो कि बैक स्पेस की जानब ओपन होती है। वाइट टैल ब्लैक बॉर्डर के साथ ये ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ एलईडी लाइट्स और बहुत ही खूबसूरत फनूस लगाया गया है। इसके साथ ही बताता चलूं कि अगर कोई शख्स अपने सेल करने वाले घरों की इसी तरह पब्लिसिटी करवाना चाहता है तो भी हमारे साथ रब्ता कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। इसके साथ ही इंटर होते हैं टीवी लॉन्च में। जैसे ही हम टीवी लॉन्च में इंटर होते हैं तो सामने दो बेडरूम के डोर आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ। ये इस घर का मेन एड्रेस है और मेरे लेफ्ट साइड पे किचन है और ये आप सामने देख रहे हैं डाइनिंग रूम और ये टीवी लॉन्च। ये टीवी लॉन्च का एलईडी पॉइंट्स है बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट्स के साथ। और इसके साथ ही ये टीवी लॉन्च का सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे घर में बहुत ही खूबसूरत फनूस लगाए गए हैं। इसके साथ ही इंटर होते हैं किचन में। एलईडी पॉइंट्स के सामने किचन बनाया गया है। ये आप किचन देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ कैबिनेट्स बनाए गए हैं और छोटा सा फनूस लगाया गया है। बहुत ही खूबसूरत टाइल्स। ये घर कराची सादी टाउन मलीर में बना हुआ है। अगर आपको पसंद है, ख़रीदना चाहते हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। इंशाल्लाह आपको तसली बख्श विज़िट करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये किचन का सीलिंग डिज़ाइन छोटा सा फनूस लगाया गया है। इस तरह फर्स्ट बेडरूम में हम एंटर होते हैं तो जैसे ही हम फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो सामने लॉन्ड्री रूम का डोर, बाथ का डोर आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ। ये डोर जहाँ से हम एंटर हुए और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब बनाई गई है। वाइट टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ ये इस बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन जो कि आप देख रहे हैं। हर बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं एलईडी पॉइंट्स और ये फर्स्ट बेडरूम का बाथ, वेंटी, कम्यूट और शावर।
इसके साथ ही इंटर होते हैं सेकंड बेडरूम में। जैसे ही हम सेकंड बेडरूम में इंटर होते हैं तो सामने बाथ का डोर, उसके साथ लॉन्ड्री रूम का डोर और ये इस बेडरूम का एलईडी पॉइंट्स वाइट टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ। ये सेकंड बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स के साथ, कलर कम्बिनेशन ये सेकंड बेडरूम का बाथ 20 कम्यूट और शॉवर। इसके साथ ही चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर को आप चाहें तो रेंट पर भी दे सकते हैं क्योंकि इसका डोर सेपरेट है जो कि आप देख रहे हैं। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं तो सामने मेन एंट्रेंस और ये ड्राइंग रूम का डोर और ये स्पेसिफिक जोन। घर की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और घर खरीदने के लिए ज़रूर रब्ता कीजिएगा, आपको तसली बख्श विज़िट करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो सामने बहुत ही खूबसूरत वॉल पे इंटीरियर हुआ है और ये आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च का डोर, सामने वाली वॉल पे वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो और उसके साथ ड्राइंग रूम का सेपरेट डोर। वाइट टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ ये फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स के साथ, कलर कम्बिनेशन और बहुत ही खूबसूरत फनूस लगाया गया। इसके साथ ही इंटर होते हैं टीवी लॉन्च में। जैसे हम टीवी लॉन्च में इंटर होते हैं तो सामने दो बेडरूम के डोर, आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ, ये मेन एंट्रेंस और ये ड्राइंग रूम का डोर और ये सामने आप देख रहे हैं एलईडी पॉइंट वाइट टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत एलईडी पॉइंट और उसके साथ फाड रोफ्स बनाई गई हैं। इसके साथ ही फर्स्ट फ्लोर के ये टीवी लॉन्ग का सीलिंग डिज़ाइन के आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स के साथ। इसके साथ ही इंटर होते हैं किचन में, ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट्स बनाए गए हैं किचन के, बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ टाइल्स और कलर कम्बिनेशन दिया गया है। इसके साथ ही इंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। जैसे ही इंटर होते हैं तो सामने वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो और उसके साथ बाथ का डोर, आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ ये डोर जहाँ से हम इंटर हुए और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत वुडन की वार्डरोब बनाई हुई है। और ये फर्स्ट बेडरूम का एलईडी पॉइंट और इसके साथ ही ये फर्स्ट बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन। हर बेडरूम में एलईडी पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये फर्स्ट बेडरूम का बाथ 20 कम्यूट और शावर के साथ ही इंटर होते हैं सेकंड बेडरूम में। जैसे ही सेकंड बेडरूम में इंटर होते हैं तो सामने वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो और उसके साथ बाथ का डोर, आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ ये डोर जहाँ से हम एंटर हुए, वाइट टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ ये सेकंड बेडरूम का एलईडी पॉइंट और उसके साथ ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। क्योंकि आप देख रहे हैं
हर बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।